जब आप बाइक ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में ऊपर आपको ये दिखे जाएंगे, उधर से भी आरपीएम घुस रहा है, इधर से भी जा रहा है। सो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये मेरे साथ खड़ी है यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 जो यामाहा की तरफ से मेरे को भेजी गई फॉर रिव्यू। सो आज हम इसका वीडियो बनाएंगे ऑन स्पीडोमीटर, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खासियतें हैं स्पीडोमीटर में, और साथ में जो यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए नीचे लाल बटन दबा के, घंटे वाले बटन दबा दो नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो नीचे आईडी आ रही है। सो प्यारे भाइयों ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। सो प्यारे भाइयों ये है यामाहा MT-15 का स्पीडोमीटर, इसको ऑन करूँ। वाह क्या बात है, लाजवाब। दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, एक बार फिर दोबारा देख लो। वाह सो अब हम बात करेंगे इसके स्पीडोमीटर में क्या क्या चीज़ें हैं इसके स्पीडोमीटर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे है, ये है गियर इंडिकेशन, यहाँ पे गियर नंबर्स आए थे जॉन सॉन से गियर पे आप चलाओगे। ये है आरपीएम मीटर, 13,000 आरपीएम तक जाता है। दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा का पूरा। और यहाँ पे नीचे VVA का आता है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन है टेक्नोलॉजी इसके अंदर। तो यहाँ से 7400 RPM से यहाँ पूरा VVA का वो आ रहा है। ये है स्पीड का, ये है फ्यूल का, और ये ओडोमीटर है। सो यहाँ पे नीचे दो बटन दिए गए हैं सिलेक्ट और रीसेट का। यहाँ पे ओडो है 196 किलोमीटर का, तो अगर मैं सिलेक्ट को दबाता हूँ तो ये ट्रिप 196.4, ट्रिप 2 154.5, और ये टाइम आ रहा है 720, और ये किलोमीटर पर लीटर की वो दिखाता है जब आप चलाते हो बाइक, अभी नहीं दिखाएगा। और ये एवरेज आ रही है 43.9 किलोमीटर्स की, कितने किलोमीटर पर लीटर है, और ये टोटल एवरेज जो क्यूमुलेट करता है। और जो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है वो यार आपकी डिस्टेंस टू एमटी अगर देते, रेंज देते जब आप फ्यूल डलवाते हो कितनी गायब बाइक जाएगी, तो वो बहुत अच्छा होता। तो जैसे भी कुछ आपने जो चेंजेस लेके आने हैं, जैसे आप टाइम पे चेंजेस लेके आने हैं तो उसको दबाइए, रीसेट को दबा ज़ोर से दबाइए, तो ये क्लॉक जो है जो जो नंबर्स आपको चाहिए दबा रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करेगा एंड ऑल, आप सेट कर सकते हैं दैट वेज। बट ओवरऑल तो मैं ये बोलूँगा कि यार बहुत ही सही चीज़ है जो भी दी है। जब आप बाइक ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में ऊपर आपको ये दिखे जाएंगे, यहाँ पे ऐप का है, बैटरी का साइन है, एंड देन फ़ोन का और एक मैसेजिंग का। सो जब आपकी बाइक यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप से कनेक्ट होती तो ये वाले जो ऊपर फीचर्स हैं तो वो दिखाएंगे। तो जो बैटरी साइन आएगा वो आपकी फ़ोन की बैटरी होगी, और ऐप दिखाएगा कि आप ऐप से कनेक्टेड हो। फिर अगर आपका कोई कॉल आई मिस कॉल तो यहाँ पे वो कॉल का दिखा देगा, मैसेजेस आएंगे तो वो मैसेज का दिखा देगा, सिर्फ ये चीज़ दिखाता है। और जो अगर मैं लाइटों की बात करूँ तो यहाँ पे जो दिख रही हैं तो ये न्यूट्रल का साइन है, और अगर इंडिकेटर का तो ये इंडिकेटर जब चलाते हो तो आपका यहाँ पे इंडिकेटर चलता है, ये ABS की लाइट है, और यहाँ पे ऑयल का साइन आता है। जब आप चलाते हो बाइक तो रेव करते हो ज़्यादा तो भाई ये वाली जो है लाइट ये आपकी ऑन हो जाती है अगर आप बहुत स्पीड पे पिकअप करते हो। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर स्पीडोमीटर के। यामाहा को चाहिए था कि जब इसमें अपग्रेड लेके आए हैं तो यार स्पीडोमीटर भी थोड़ा सा चेंज कर देते यार। जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर डिस्टेंस टू एमटी नहीं है, टेम्परेचर नहीं दिखाता, मतलब कूलेंट का एंड ऑल, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो अच्छा रहता। आपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो दे दी है, बट वो चीज़ देते तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता ना। तो अब मैं आपको यामाहा की जो वाई कनेक्ट ऐप है उससे दिखा देता हूँ। ये रही सबसे नीचे ऐप, लेट इट ओपन अप, टाइम लगता है इसको भी खुलने में। सो अभी दिखा रहा है यहाँ पे डिसकनेक्टेड, रीज़न बीइंग आपकी बाइक स्विच्ड ऑफ है, तो जो जैसी प्रीवियस डेटा था वो वैसा ही इस पर दिखेगा। बाइक को मैं ऑन कर देता हूँ, वो देखो ऑन होगी, ये देखो यहाँ पे अब दिखना शुरू हो गया कनेक्टेड है। तो मतलब आपका जो लास्ट अपडेट थी, ऑयल इज़ गुड, बैटरी इज़ गुड, तो ये दिख रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा वेरिएशन आती है डिस्टेंस की, जैसे मेरी 196 किलोमीटर चली है तो इसमें 192 दिखा रहा, थोड़ा सा वेरिएशन दिखाता है। दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द ऐप,
यहाँ पे फ्यूल का दिखाते हैं, अभी डेटा इसलिए दिखा रहा क्योंकि मैंने पास बाइक आई एक दिन के लिए पहले है, तो फिर यार डेटा दिखाएगा नहीं ना, तो पूरे मंथ की आपकी फ्यूल इकोनॉमी आएगी, ये आपकी दिखाएगा लोकेशन आपकी बाइक कहाँ खड़ी है, और ये पार्किंग का डेटा दिखाएगा। सो इसके अंदर और भी ऑप्शन हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे व्हीकल इन्फो है, ठीक है, या आपका नंबर वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हो यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है आपका रेव डैशबोर्ड। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ बाइक, जैसे आप रेव करोगे तो यहाँ पे आपको रेव दिखाएगा और नीचे एयर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर एंड ऑल वो दिखाएगा, और कुछ नहीं। चलो एक बार आपको रेव वाला दिखा देता हूँ, ये देखो वो भी उधर से जा रहा है, ये इधर से भी निकल रहा है, उधर से भी आरपीएम घुस रहा है, इधर से भी जा रहा है। ये देखो ऑन करा है 42 डिग्रीज एयर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर 52, तो ये चीज़ें दिखती हैं। सो फिर भाई ये छोटा सा वीडियो बना है आज आप सबके लिए, जहाँ पे हमने यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 के स्पीडोमीटर और इसकी ऐप के बारे में बात करी है डिटेल में। तो वीडियो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यामाहा फॉर सेंडिंग द बाइक फॉर रिव्यू। तो करना क्या है, वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दिए शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट कर देना। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए नीचे लाल वाला बटन दबा के, घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे आईडी आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं ऐसे किसी और धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।